हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फिश अभिमानी। आई विल टीच यू सोशल साइंस फॉर क्लास सेवन। क्लास सेवन का हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, जिसका नाम है राइज ऑफ रीजनल किंगडम। इसमें क्या बताया गया है, जो हमारे दूसरे किंगडम्स आए थे उसके बारे में हमको बताया गया है कि हमारे किंगडम्स कैसे आए थे, किस तरह से आए थे, ये सब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या क्या चेंजेस आए थे उनके राज्यों में। तो किंगडम्स मतलब क्या होता है, जो हमारे शासन होता है उसके बारे में, मतलब जो राजाओं के शासन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे वो चेंज हुए थे, किस तरह वो चेंज हुए थे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मिडिवल पीरियड 800 EC to 1800 EC saw the rise of many power regional kingdom। जब हमारा मिडिवल पीरियड आया था तो बहुत सारे हमारे जो किंगडम्स थे वो आए थे। इन अर्ली मिडिवल पीरियड 700 EC और 1300 EC इन लोगों के बीच में हमारे बहुत सारे जो थे चेंजेस आए थे रीजनल किंगडम्स में, मतलब जो हमारे जो शासन बने थे राजाओं के वो बहुत सारे आए थे। दिस इंक्लूड्स द गुजरास पार्थियारास ओवर द गैंगनेटिक प्लेन, द राजपुत्रास इन द डेक्कन, द चोलास इन द साउथ और द पालास इन द ईस्ट एंड द राजपुतास द गैजनवास, द टुर्केस और द मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ स्लेव ऑरेंजन एंड द चोरिट्स इन द नॉर्थ। मतलब ये सब जो नाम है, मतलब जो गुजरास है, राजपुत्रास है, चोलास है, पालास है और जो राजपूत, ये लोग क्या थे हमारे इंडिया में आ गए थे और इन लोगों ने क्या करा था, हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स को अपने किंगडम मतलब अपना राज्य बना लिया था। दिस किंगडम फॉर कॉम्पिटिटिंग विद ईच अदर फॉर सुपरमेसी ओवर द कंट्री। अब ये जो किंगडम्स हैं, इन सब में हमेशा का कॉम्पिटिशन रहता था हमारी कंट्री को काबू में करने के लिए। दे वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर कानूज। वो क्या करते हैं, क्या सोचते थे, जो कानूज नाम का जो जो स्टेट था हमारा, उसको ये लोग क्या करना सोचते थे, कंट्रोल करना सोच रहे थे। जो किसकी कैपिटल थी, हर्षवर्धन एम्पायर, उनका किसके अंडर में चलता था, हर्षवर्धन एम्पायर के अंडर में था, तो उसकी चलती थी। तो वो लोग क्या करना चाह रहे थे, उसको काबू करना चाह रहे थे। एंड नॉर्थ इंडिया देयरफॉर दे कॉन्स्टेंटली इंगेज इन द बैटल्स विद ईच अदर, इसलिए वो हमेशा क्या आपस में लड़ते जाते थे। अब इसमें पढ़ेंगे नॉर्थ रूलर्स। नॉर्थ रूलर्स में क्या बताया है, राजपूतों के बारे में बताया गया है। राजपूत एक संस्कृत वर्ड से आया है, राज, राज का मतलब होता है किंग और रॉयलिटी, और पुत्रा मतलब क्या होता है, सन, मतलब किसके सन, राजाओं के सन। Which while most scholars and historians disagree on their origin, there is no doubt that the Rajputas were Kshatriyas, Kshatriyas, that is born in Varis. According to various myths, जो राजपूत से उनको शूरी वंशम भी कहा गया है, चंद्रवंशी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सन डायनेस्टी, सूरज की डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो लोग मून की डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और उनको अग्निकुल्ला के नाम से भी जाना गया है। हाउएवर मोस्ट हिस्टोरिकन बिलीव दैट दे आर डिसेंट ऑफ सेंट्रल एशिया ट्राइब्स सच एज शाखास, ह्यूनास, कुशांस हु हैड इवेंटली सेटल्ड इन इंडिया। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राजपूत क्लेन्स ऑफ द पीरियड इंक्लूड द गुजरास, प्रतिहारास, टोमार्स, चंडालास एंड चौहान, सोलंकीस एंड द पारमर्स। अभी तो सब मैंने जो आपके नाम लिए हैं, वो लोग क्या थे, हमारे इंडिया में आए थे और वो कुछ ना कुछ हमारे इंडिया को काबू कर रहे थे, मतलब वो लोग क्या कर रहे थे, अपना राज्य बना रहे थे ताकि उनका वंश बढ़े। अब हम पढ़ेंगे गुजरास एंड प्रतिहारास। गुजरात एंड प्रतिहारास कब आए थे, 700 CE से लेकर 1100 CE तक आए थे। इसके अंदर इन लोगों ने क्या करा था, जो हमारा राजस्थान है उसमें जो मेवाड़ स्टेट है वो उन्होंने बनाई थी एंड गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ नागभाटा। और उन्होंने काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस, उस टाइम में लोग काफ़ी फेमस हो गए थे और इन्होंने क्या करा था, एक एम्पायर बनाया था, किसके बीच में, माला और मालवा और ब्राउन्स के बीच में एक एम्पायर बनाया था।
However, the most important ruler of the empire was Meer Bauja. अब इन सब के बीच में सबसे famous जो ruler था, राजा था, वो कौन सा था? Meer Bauja था, जो कब आया था? 836 EC से लेकर 885 EC से. Who conquered where weak and could not hold on the empire? उसने क्या करा? वो जीता. किसको जीता? कानूज को जीता, और उसको अपनी कैपिटल, मतलब अपनी राज्य की कैपिटल बना दी गई. ही सक्सेसर्स वर वीक एंड कुड नॉट होल्ड दिस एम्पायर. वो ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाया, वो कमज़ोर पड़ गया, और उससे ये वाला जो कानून वाला जो एम्पायर है वो छूट गया, मतलब वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम पर राज्य नहीं कर पाया. इवेंटली इन 1018 मोहम्मद ऑफ गजनी डिफीटेड द रूलिंग पार्थिया किंग एट द टाइम ब्रिंगिंग एंड द एंड ऑफ द ग्लोरी ऑफ कानूज. उसके बाद मोहम्मद ऑफ गंजी ने क्या करा? उसको हरा दिया गया. किससे हरा दिया गया? पार्थियारा किंग से. और उन्होंने क्या करा? जो गानूज था उनके उनके अंडर में आ गया. अब हम पढ़ेंगे पालास. पालास क्या था? ये चलता है 800 CE से लेकर 1200 CE तक चलता है. द पालास रूल्ड ओवर द एरियाज ऑफ मॉडर्न बंगाल. पालास ने किसको करा? पूरे बंगाल को अपने अंडर में कर लिया. जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड द नेपाल. किंग गोपाला अलोंग विथ हिज सन, इन लोगों ने क्या करा? पूरे पालास को, जो कि मॉडर्न वेस्ट बंगाल में आता है, उनको अपने अंडर में कर लिया गया, और वो धीरे धीरे अपने पावर्स को बढ़ाने लग गए. अकॉर्डिंग टू तिब्बतन अकाउंट्स द पालास वर पार्टन्स ऑफ बुद्धिज्म. अगर हम देखा जाए तो जो पाला जो थे वो किसको मानते थे? बुद्धिज्म को मानते थे, मतलब बुद्धिस्ट लोगों के जो थे उनकी वो लोग पूजा करते थे. इट इज सेड दैट धर्मपाला इवन बिल्ड विक्रमशिला इन बिहार. जो धर्मपाला है उसने क्या बनाया है? विक्रमशिला बनाया था. कहाँ पर? बिहार में. अरियन बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर. वहाँ पर क्या होता था कि जो बुद्धिस्ट जो भगवान होते थे उनके बारे में बताया जाता था. पालास बुल्ड सुपास एंड डोनेटेड जर्नलिस्ट टू बुद्धिस्ट मॉनेस्टर. अब आएगा चंडालास. चंडालास कब आए थे हमारे? 1000 EC से लेकर 1300 EC में आए थे. इन्होंने किसको करा था? बुंदेलखंड नाम की जो चीज़ जगह थी उन लोगों ने इसको कवर कर लिया गया था. और इसके ये किसके बीच में आता है? बुंदेलखंड यमुना और नर्मदा के रिवर के बीच में आता है. अब हम पढ़ेंगे चौहान्स. चौहान्स कब आए थे हमारे? 100 EC से लेकर 1200 EC से आए थे. अब चौहान को चामानास भी कहा जाता है, जिसने किसको किसको अपने अंडर में किया था? दिल्ली और अजमेर को अपने अंडर में कर लिया गया था. पृथ्वीराज चौहान के हमारा मोस्ट फेमस चौहान रूलर है, जिसने जो कि कब किसने इसको हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया था. कब हराया था? 1191 में हराया था. अब बढ़ेंगे हम सोलंकीस. तो सोलंकीस क्या होते हैं? सोलंकीस ने किसको हड़प किया था? गुजरात को हड़प किया था, जिसको हम चालुक्यास ऑफ गुजरात भी कहते हैं. सिद्धार्थ वॉज द मोस्ट फेमस सोलंकी रूलर. सबसे ज़्यादा फेमस सोलंकी रूलर कहा गया है कौन? सिद्धार्थ राजा. उसने क्या करा था? सोलंकी ने क्या करा था? दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान में बनाया था, और वार्डन सन टेम्पल दिल्ली में बनाया था. अब हम पढ़ेंगे द रूलर्स इन द डेक्कन. जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू कौन के कितना बड़ा है? तो उसके ऊपर भी क्या करा था? इन लोगों ने कब्जा कर लिया था. द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर. जो एरिया है किसके बीच में? नर्मदा और कृष्णा के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? डेक्कन बोलेंगे. लेकिन कुछ जो किंगडम्स थे, कुछ जो हमारे किंग्स थे, उन लोगों ने क्या करा था? उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था. किस किसने किया था? द यादवस ने कर लिया था, उसके बाद चालुक्यास ने किया, उसके बाद काकाटियास ने किया, उसके बाद होयसालास ने किया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंगडम ऑफ एरिया वॉज द एरिया वॉज द राजपुत्रा किंगडम. सबसे ज़्यादा किसने शासन किया उस टाइम? राजपुत्रा किंगडम ने किया. अब हम पढ़ेंगे राजपुत्रा के बारे में. तो राजपुत्रा क्या है, कहाँ से आया है? 600 EC से चला है, और कब तक चला है? 1000 EC तक चला है.
The Rajputra rose to the power in 18th century under the king of Dandi Durga, जो कि कब आया था 753 से लेकर 756 तक रहा। जो राजपुत्र पावर है वो कब आई थी हमारे यहाँ 18th सेंचुरी में आई थी, और इसका जो राजा था वो कौन था, डांडी दुर्गा था। इसमें क्या हुआ था, इसमें इन लोगों ने सक्सेस पाई थी कृष्णा फर्स्ट पे, और इन्होंने अपना रूल कहाँ बना रखा था, महाराष्ट्र में बनाया था, और आज भी वहाँ पर इनका रूल चलता है और वहाँ पर उनके बारे में बोला जाता है। राजपुत्रा रूलर्स ऑफ ग्रेट पोर्शन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। राजपुत्रा ने क्या किया था, बहुत सारे आर्ट्स होते, कलाएं बताई थी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में बताया था, स्पेशली कौन सी लैंग्वेज के बारे में बताया था, कन्नड़ा। अब हम पढ़ेंगे द ट्रिपलेट स्ट्रगल। ट्रिपलेट स्ट्रगल्स क्या होता है, ट्रिपलेट मतलब भी क्या होता है, तीन चीज़ों का मिलना। मतलब ऐसे राजा हैं जो तीन चीज़ों को मिलकर उन लोगों ने क्या करा, एक के ऊपर कब्जा कर लिया, उसको बोलेंगे ट्रिपलेट स्ट्रगल्स। द राजकुटरा अलोंग विद द पालास एंड द गुजरा पार्थियारास और इन्वॉल्व इन द ट्रिपलेट स्ट्रगल। कौन कौन से मिले थे, राजकुटरास, गुजरास और पालास, इन सब लोगों ने मिलकर क्या बनाया था, एक ट्रिपलेट स्ट्रगल बनाया था, जिसने किसको अपने काबू में कर लिया, कानूज को अपने काबू में कर लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स क्या होता है, मतलब जो विदेशी लोग आए थे, पहले तो ये लोग जो सब थे ये हमारे इंडियंस लोग ही थे, लेकिन उसके बाद क्या करा, विदेशी लोगों ने भी हमारे इंडिया पे कब्जा करना शुरू करना स्टार्ट कर दिया गया धीरे धीरे। अब जो फर्स्ट आया था वो क्या आया था हमारा, द गैजनविड्स। गैजनविड्स कौन था, जो 1000 EC से 1200 EC तक चला। द गैजनविड डायनेस्टी केम फ्रॉम द किंग साबुक्तनी, ही वॉज ऑरिजिनली तुर्किश रूलर। ये कौन सा रूलर था, एक तुर्किश रूलर था, जो कि इसी कब तक चला हमारे यहाँ, 1200 EC तक चला। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद ऑफ गजनी। तो मोहम्मद ऑफ गजनी में क्या था, एक पावरफुल तुर्किश था, जिसने क्या करा, एक बड़ा सा हमारे यहाँ पे एम्पायर बनाया, और उसने जो हमारा सेंट्रल एशिया था उसके ऊपर काबू करना शुरू कर दिया गया, और धीरे धीरे वो लोग क्या करने लग गए, इंडिया के अंदर आने लग गए, और इंडिया को भी उन लोगों ने काबू करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने कौन कौन से प्लेस पे काबू करना स्टार्ट किया, मुल्तान, पेशवार, थानेश्वर, कानूज, मथुरा, कंगारा, ग्वालियर, कश्मीर, सोमनाथ, पंजाब, धीरे धीरे उसने करा मोहम्मद जी ने हमारे के बता के ख़त्म करूँ। तो इन लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे हमारे यहाँ पर काबू करना शुरू करना स्टार्ट कर दिया। जो हमारे टेम्पल्स थे, जो टॉम्ब्स थे, जो ब्यूटीफुल पैलेस, जो हमारे मॉस्क्यूज थे, उन पर उन लोगों ने काबू करना स्टार्ट किया। और फाइनली जो मोहम्मद ऑफ गाजी थी उसकी डेथ कब हुई, 1030 CE में वो मर गया। अब आएगा द गोरिट्स। तो गोरिट्स का आया था 1200 EC से 1300 EC तक चला। और जब भी मोहम्मद ऑफ गजनी मरा तो कौन सी आ गई हमारे यहाँ, गोर लोग आ गए, जो कि अफगानिस्तान में अभी भी उनका नाम चलता है। उन्होंने अफगानिस्तान को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी कब आया था, 1202 से लेकर 1206 तक ये तो चला। इसने क्या करा, ये कब आया था हमारे यहाँ पे, 12th सेंचुरी में आया था, और इसने क्या करा, हमारे जो गुजरात के रूलर को मारकर और ख़ुद ने उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, और पंजाब के ऊपर भी इसने अपना कब्जा शुरू कर दिया। द राजपूत रूलर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया फेस्ड इन फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन। जो राजपूत थे जिनके अंडर में गुजरात और पंजाब थे, उसने लड़ाई करी, उस लड़ाई को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन। उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को से लड़ाई करी 1192 CE में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड बैटल। और उसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, पृथ्वीराज चौहान को का जो भी राज्य था वो सब अपने अंडर में
कर लिया गया। अब हम पढ़ेंगे साउदर्न रूल्स। साउदर्न रूल्स क्या थे? देयर वर द पावरफुल किंगडम्स इन द साउथ। किस में बहुत सारे पावरफुल किंगडम्स थे, जैसे पलावास, पांड्या, चोलास, ये सब क्या थे? साउथर्न रूलर्स थे। लेकिन इन लोगों को भी इन लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे कैप्चर करने लग गया। उन लोगों ने अपने पावर्स को लॉस करना स्टार्ट करी, और जो फॉरेन जो इन्वेडर्स जो विदेशी लोग थे, जो विदेशी विदेश से आए थे, उन लोगों ने इन सबका राज्य छीन लिया और उन्होंने अपना राज्य शुरू कर दिया गया। अब द पल्लवास, पल्लवास कब आया? 300 BC से 900 BC के बारे में आया। द कैपिटल ऑफ पल्लवा सिटी ऑफ कांची, जो कैपिटल जो थी वो पल्लवा की, वो क्या थी? कांची थी। दे वर वेरी पावरफुल इन द 7th and 8th century की, काफ़ी पावरफुल थे। कब थे? 7th और 8th century में काफ़ी पावरफुल थे। पर इनको किसने हरा दिया? चोलास ने हरा दिया। 9th century में चोलास ने इनको हरा दिया, और चोलास ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पांड्यास। पांड्यास क्या थे? इन लोगों ने क्या करा था? साउथर्न इंडिया जो हमारा था उसमें कब्जा कर रखा था। और ये कब हटा? हमारे जब 14th century आई तो इसका पावर हट गया। अब हम पढ़ेंगे चोलास। चोलास क्या था? द एंशियंट चोलास रूल्ड द पावर बाय 200 CE। तो चोलास से उन लोगों ने अपने जो पावर से वो लॉस्ट कर दिए गए थे। कब लॉस्ट कर दिए गए थे? 200 CE में उन्होंने अपने पावर को लॉस्ट कर दिया गया था। जब मिडिवल पीरियड आया तो उनके धीरे धीरे पावर्स भी आने लग गए। मतलब पहले तो उन्होंने अपने पावर्स खो दिए, लेकिन जैसे ही मिडिवल पीरियड्स आया तो उन्होंने अपने पावर्स को लेना स्टार्ट कर दिया वापस। इनके पावर्स इनके पास आने लग गए। जब मिडिवल चोलास वर मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ साउथर्न इंडिया, जो मिडिवल चोलास थे उन लोगों ने करा था हमारे साउथ के जो थे, साउथर्न इंडिया जो था उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया था। और उन्होंने एक अपनी कैपिटल बनाई जिसका नाम था तंजोर। क्या बनाई थी? अपने खुद की कैपिटल बनाई थी जिसका नाम था तंजोर। अब जो चोलास से उन लोगों ने राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राज चोला। तो राजा राज चोला क्या था? 1985 में आया और इसकी ख़त्म कब हो गई? 1014 में इनकी जो CE में इनकी पावर्स क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इन्होंने क्या करा था? इनको हम लोग राजा राज फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम एक ब्रिलियंट कमांडर के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने क्या करा था? हमारे जो ट्रेड है उनको अच्छे से संभाल के रखा, और जो हमारे जो बहुत सारे कोस्टल रीजन है उन्होंने उसके ऊपर भी अपनी पॉलिसीज लगा ली। और उन्होंने हमारे कुछ पार्ट जो श्रीलंका के थे उनको अपने अंडर में कर लिया। बे ऑफ बंगाल को हमारे अंडर में कर लिया, और बहुत सारे टेम्पल्स जो थे उनको भी उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। लेकिन ही वॉज सक्सीड बाय दिस सन, उसने अपने सन को भी जीत लिया, राजेंद्र चोला। अब राजेंद्र चोला क्या था? ये 114 से आया गया था और 144 के बीच में ख़त्म हो गया। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने श्रीलंका को अपने कब्जे में कर लिया गया था। और ही ऑल्सो क्रॉस द रिवर गंगा इन द नॉर्थ, इसने जो नॉर्थ में जो गंगा बह रही है उसके ऊपर भी अपना कर लिया गया था। और इन्होंने किसको हराया था? माहिपला। माहिपला कौन था? जो बंगाल में जिसका शासन चलता था उसको हम क्या बोलते हैं? माहिपला बोलते हैं। अब जस्ट अजीवन तभी इसको कौन सा एक टाइटल दिया गया? गंगी कोंडा टाइटल दिया गया। मतलब गंगा के ऊपर इसने अपनी पूरी सक्सेस कर ली थी, और इसको गंगी कोंडा चोलापुरम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस बाय चोलास। इंस्क्रिप्शंस बाय चोलास मतलब हमको चोला ने क्या क्या दिया, हमको क्या क्या उसे चीज़ें प्राप्त हुई। तो क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? जो हमारे पुराने रूलर्स थे उनके बारे में हमको किसके पीरियड में पता पड़ा? चोला से हमको पता पड़ा कि हमारे कौन कौन से रूलर्स थे। हमारे मिलिट्री के बारे में पता पड़ा हमको। हमारे रिवेन्यू कलेक्शन मतलब जो हमारे पास इनकम थी, जो हमारे पास इनकम सोर्सेस थी जिससे हमको इनकम मिलती थी, हमारे पास पैसा आता था, उसके बारे में पता पड़ा। और हमको डोनेशंस जितना हम कितना हम डोनेशंस करते थे उसके बारे में पता पड़ा हमको। हमारे गाँवों के बारे में पता पड़ा हमको, वो सारे कलाओं के बारे में पता पड़ा, और हमारे ट्रेड्स के बारे में पता पड़ा। दिस इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड ऑन स्टोन।
ऑन द टेम्पल वॉल्स एंड कोवर ब्लेड. इस टाइम में हमको किसके बारे में पता पड़ा, जो हमारे स्टोन्स से, जो हमारे अलग अलग स्टोन से पत्थर हुआ करते थे. आपको बताया ना, जो अर्ली मैन हुआ करते थे पहले के ज़माने, हमारे पास कोई भी औजार नहीं हुआ करता था, लेकिन चोलास के एज में हमको डिफरेंट पत्थर जो स्टोन्स से उनके बारे में पता पड़ा कि हमको उनका कैसे यूज़ करना है. अब जो है इन्होंने किसके बारे, हमको जो बहुत सारी ज़मीनों के बारे में भी पता पड़ा कि कौन सी ब्राह्मी, मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी है और कौन सी ब्राह्मण लोगों की नहीं है, कौन सी हमारे स्कूल की है और कौन सी हमको टेंपल्स के लिए दी गई है. तो इसके बारे में हमको पता पड़ा. अब सबसे पहले आ रहा है वेलन वेगी. ये जो लैंड्स था यहाँ पर ब्राह्मण लोग नहीं रहते थे, और ब्राह्मण ये वाले जो लैंड्स थे उनको दिया गया था. किनको दिया गया था? ब्राह्मण्स लोगों को दिया गया था. अब आएगा हमारा शालाभोगा. शालाभोगा क्या था? पढ़ाई के लिए हमको दिया गया था, स्कूल्स के लिए दिया गया था. अब देवंदा एंड त्रिउना मातुकानी, ये गाय के लिए दिया गया था, हमारे टेंपल्स के लिए दिया गया था. और जो ये वाला जो था हमको पिली चांदनम, ये हमको जैन इंस्टीट्यूट, मतलब जो जैन के लोग थे उनके बारे में दिया गया था. अब क्या हुआ था, जब हमारे चोलास ख़त्म होने लगे तो हमारे बहुत सारे टेंपल्स बने, बहुत सारे स्कल्पचर्स बने. स्कल्पचर्स क्या होते हैं? जो पुतले बनाए जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? स्कल्पचर्स बोलते हैं. तो इस टाइम पे हमको बहुत सारे टेंपल्स का आर्ट मिला, मतलब कलाएँ मिली, बहुत सारे मंदिर बनाए गए. अब कैसे कैसे मंदिर बनाए गए वो हम पढ़ेंगे. द चोला रिवर्स वर एक्टिव पार्टनर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट. मोस्ट ऑफ द टेंपल्स वर इन अ द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन. जो चोलास के जो टाइम में थे तो बहुत सारे अलग अलग तरह के मंदिर बनाए गए, बहुत सारे स्टाइल्स के मंदिर बनाए गए. तो हमने इसके बारे में इसमें पढ़ा. आपने डांसिंग शिवा का जो मोस्ट फेमस जो पुतला है नटराजन फिगर, आपने देखा होगा वो कितना फेमस है. तो वो भी क्या हुआ था? हमारे चोला के टाइम पे बनाया गया था. अब सेल्फ सस्टेनिंग टेम्पल्स, अब ऐसे कुछ टेम्पल्स थे जो चोला ने नहीं बनाए थे, वर्शिप के लिए नहीं बनाए थे, के लिए बनाए थे, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए बनाए गए थे. लेकिन जब ये बनाए गए तो हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी. अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग पॉइंट्स. टेम्पल आल्सो सर्वेड एज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रेडिशन बोथ इनलैंड एंड ओवरसीज. अब ऐसे बहुत सारे मंदिर, आपको पता है जो बहुत सारे मंदिर थे वहाँ पर क्या होता था हमारे यहाँ ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग्स के जो मतलब व्यापार के जो होता था, मतलब जो हमारे बिजनेस होता था, वो वहाँ पर डील होती थी. आपने देखा है जैसे बहुत सारे जो मंदिर थे पहले के ज़माने में, वो नदी के किनारे हुआ करते थे. जब वो नदी के किनारे हुआ करते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर बाहर से लोग आते थे और वहाँ पर अपने जो बिजनेस थे उसके बारे में वो लोग बात करते थे. अब हम पढ़ेंगे लर्निंग सेंटर्स. अब कुछ ऐसे मंदिर, ऐसी जगह बनाई गई थी जहाँ पर जो टीचर थे वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे. और विलेजेस में भी ऐसा हुआ करता था, और कई लोग तो नदी के किनारे ही मतलब बिछाकर कुछ भी चादर वगैरह और या कुछ भी शीट्स वगैरह बिछाकर वहाँ पर पढ़ाया जाता था. अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर सोचोलास. अब कौन कौन से शासन आए थे हमारे चोलास में? द किंग वॉज हेल्ड हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये जो किंग था इस टाइम हमारे बहुत सारे शासन आए गए थे. हमारे को दो भागों में बांटा गया था, जिसको हमने बोला था मांडलाम. और बाद में ईच मांडलाम हैज वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट. अब जो हमारे एक मांडलास था उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया था. जैसे पहले हमारे पास किंगडम आए, फिर मांडलास आए, फिर वालंडन साइड डिस्ट्रिक्ट आए, और फिर हमारे पास क्या आया? विलेज आया. अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज एन मोस्ट सोशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास गवर्नमेंट आई थी वो कौन सी आई थी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी. ईच विलेज, हर विलेज में तीन चीज़ें इकट्ठी करी गई थी, द यूअर, द सभा एंड द नागरम. तीन चीज़ें थी, यूअर, सभा एंड नागरम. और यूअर क्या थी? इसमें क्या होता था, जो भी हमारे लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, जो भी हमारे
जमीन के जो भी हमारे ऑनर्स हुआ कर रहे, जिनके जिनके पास जमीनें हुआ करती थी, उनकी सभा हुआ करती थी। और अब सभा में क्या होता था, जो ब्राह्मण लोग थे, जो लोग ब्राह्मण लोग जिनके पास लैंड्स हुआ करती थी, उनको इंक्लूड किया गया था। और नगरम क्या थे, जिसके अंदर विलेजेस के जो व्यापारी करने वाले होते थे, उनको मिलाया गया था। अब दीज असेंबल्स वर डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर कमिटीज। अब इनको भी क्या हुआ था, अलग अलग कमिटीज में बांटा गया था। इसके अंदर क्या हुआ था, हमारे कौन कौन से फंक्शन होते थे, क्या क्या करते थे, तो लैंड का मेजरमेंट करते थे, टैक्स का कैलकुलेशन करते थे, मतलब हमारे टैक्स सिस्टम होते हैं, तो आपको पता है ना कि हर चीज़ में टैक्स लगता है, तो टैक्स का कैलकुलेशन करते थे। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टैंक्स, तो जो भी बिल्डिंग होती थी उनका, और जो भी टैंक्स हुआ करते थे, जो भी इरीगेशन फसल के टाइम हमको पानी की ज़रूरत पड़ती थी, उसका भी इन लोगों ने करा। एंड एरिया और विलेज वॉज डिवाइडेड इन टू द वार्ड, जो विलेज के एरिया से वो कायमे बांट दिए गए, वार्ड्स में बांट दिए गए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम जो थे एरिगन एक्सपेंशन। एरिगन एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, मतलब जो हमारा जो इरीगेशन फैसिलिटीज थी वो सब बढ़ाई गई, वो सब इसमें आएगी। टैक्स ऑन द लैंड वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ द रिवेन्यू। उस टाइम भी क्या था, जो लैंड के ऊपर टैक्स लगते थे, उनका मेन रिवेन्यू सोर्सेस था, मतलब सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आती थी, उनके टैक्सों से ही आती थी। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलास आर मेड पॉसिबल थ्रू द न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर। चोलास के जो डेवलपमेंट्स थे वो कौन से थे, एग्रीकल्चर में थे, मतलब उन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किए। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, सबसे पहले कहाँ पर इन लोगों ने एग्रीकल्चर सुधारी, तमिलनाडु में इन लोगों ने एग्रीकल्चर को सुधारा। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th century, कब हुआ था, हमारे 5th और 6th century तब हम लोगों ने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया गया। इरीगेशन सिस्टम डेवलपमेंट, इरीगेशन सिस्टम पहले क्या हुआ करता था, लेकिन हम लोगों के पास ज़मीन थी, हम खेती कर सकते थे, लेकिन इरीगेशन सिस्टम मतलब पानी की जो सुविधाएँ थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। फॉरेस्ट वर क्लियर इन सम रीजन्स, कहीं कहीं जब भी क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट मतलब पेड़ों को काट दिया गया। एंड द लैंड वाज लेवल, और जो ज़मीन थी वो बिल्कुल प्लेन कर दी गई, और वहाँ पर किन लोगों का राइस का मतलब चावल का इन लोगों ने प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करना शुरू कर दिया गया। इन द डिटेल फ्लडिंग एंड द कैनल्स टू कैरी वाटर इन द फील्ड, इन लोगों ने क्या कर दिया, कैनल्स मतलब बड़े बड़े पाइप लगा दिए, जिससे उनके खेतों में पानी जाना शुरू होने लग गया। इन मैनी एरियाज 2 crops आर बॉर्न इन द ईयर, हर साल में 2 crop, आपने पढ़ा होगा साइंस में रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। जो रबी क्रॉप होती है वो विंटर मतलब सर्दी में उगाई जाती है, और जो खरीफ क्रॉप होती है वो क्या होती है, समर में उगाई जाती है। तो ऐसे जो 2 crops थे वो साल भर में उगाए जाते थे। बिकॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली गिविंग इन सम एरियाज वेल्स वर्ल्ड, कहीं के जगह पे तो कुएं खोदे गए। तो इस तरह इन लोगों ने क्या करा, चोलास के पीरियड में एग्रीकल्चर को भी चेंजेस लाने की कोशिश करी, ऐसे एग्रीकल्चर में चेंजेस लाने की कोशिश करी, वैसे कि वैसे ट्रेड मतलब व्यापार में लाने की भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। अब क्या था, जो एक तो उनका सबसे पहला मोस्ट रेवेन्यू क्या था, इनकम कहाँ से आती थी, उनकी टैक्स से आती थी, और दूसरी इनकम कहाँ से आती है, ट्रेड मतलब व्यापार से आती थी। दे हैड ट्रेड कनेक्शन विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, उन लोगों ने क्या करा, अपना बिजनेस को बढ़ाया, और जो साउथ ईस्ट एशिया था और चाइना था, उन लोगों से उन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे फिर लोगों ने उसका डेवलपमेंट भी करना शुरू कर दिया गया। बाद में लोगों ने इवरी मतलब हाथी की दांत, सैंडलवुड मतलब चंदन का पेड़, उनसे लोगों ने परफ्यूम्स बनाए गए, बहुत सारे पत्थरों का उन लोगों ने, और बहुत सारे कॉटन मतलब रुई के पेड़ों का उन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया गया। स्टूडेंट, तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, जो हमारे जो किंगडम थे, चोलास थे, जो पल्लवास, जो पालास थे, उन लोगों ने कैसे कैसे हमारे इंडिया पे कैप्चर किया, और कैसे कैसे हम लोगों ने उससे
हमारा जो एक्सपेंशन किया, हमने ये भी देखा जो फॉरेन लोग थे उन लोगों ने भी हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा करना शुरू करा। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।